मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मेडिकल कॉलेज में दिव्यांगजनों को योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया उनके लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगी उनके लिए और योग को लेकर के जो फ्यूचर है उनके लिए, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए मैम। मैं दीपा श्रीवास्तव, गत 26 वर्षों से मैं योग से जुड़ी हुई हूँ और इस समय जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो विशेष रूप से लखनऊ यूनिवर्सिटी के योग एवं अल्टरनेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट से किया गया है। वहाँ पे जो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अमरजीत यादव हैं, उनके द्वारा ही ये सब कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत जो टीम्स बनाई गई हैं तो उन टीम को अलग अलग, अभी तक का जो हम लोग कर रहे थे कैंपस में ही कर रहे थे और कैंपस में ही योग के सेमिनार चल रहे थे, वर्कशॉप चल रही थी और सुबह का योगा अभ्यास चल रहा था, लेकिन साथ में ही बहुत ही अच्छा एक सर के द्वारा, अमरजीत सर के द्वारा ये अभियान चला जा रहा है कि योग आपके द्वार कि हम लोग वहाँ जा के योग को करा रहे हैं। जैसा कि अभी गत दिनों में हम लोगों ने वृद्धाश्रम में जाके, जानकीपुरम में पूरी टीम ने जाके वहाँ वृद्धजनों को करवाया, दिव्यांग जनों को कराने के लिए आज हम लोग यहाँ पे केजीएम में आए हुए हैं। आज के ही दिन एक टीम जाके वहाँ पे हम लोग के यहाँ गर्भवती महिलाओं को योग उन्होंने सिखाया हुआ है, स्विमिंग पूल में वहाँ पे योगासन की आसनों की कुछ प्रैक्टिस हुई है, नौका बिहार जो हुआ है, नौका पे जो है, नाव पे कुड़िया घाट में वहाँ पे भी योग हुआ है। और इस तरह से योग को विभिन्न विभिन्न रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं और साथ में ही जितने भी सेमिनार हो रहे हैं उनमें इस तरह के टॉपिक लिए जा रहे हैं जो कि जनमानस इसका लाभ उठाए और योग के क्षेत्र में जुड़ के और हम सभी उससे लाभान्वित हुएं, तो ये प्रयास निरंतर चल रहा है। आज दिव्यजनों को यहाँ पे, दिव्यांगों को हम लोगों ने जब योग कराया तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत उन लोगों के अंदर ऊर्जा देखी, उत्साह देखा, तो निश्चित तौर पर उनका जो मनोबल गिरा हुआ है वो जरूर बढ़ेगा और उनको एक उत्साह मिलेगा, नई ऊर्जा के साथ वो इस समाज में आगे आएंगे और काम करेंगे, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से वो पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। मैम, सोशल मीडिया के जरिए या जो हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जागरूकता अभियान के तहत, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे योग को लेकर के? योग को लेकर ये मैसेज देना जरूर चाहूंगी, देखिए आजकल हर पार्क में घर घर योग हो रहा है और लोग सिखा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखें, लोग सीखें, योग करें, बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें आप बिना दवा के सही होते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ही योग है और योग एक जीवन को जीने की कला है, तो इसके लिए हम ये जरूर चाहेंगे कि सभी लोग सीखें, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति से सीखें, ये नहीं कि आपने किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं लिया और दो लोगों से सीख के आप तीसरे को सिखाने लगे, तो इस तरह की गलतियां नहीं करें क्योंकि गलतियां बहुत हो रही हैं। इन चीजों को सुधार करते हुए योग को हम हर जनमानस के पास पहुँचाने का प्रयास करें और यही हम सबकी इच्छा है और हम सबका प्रयास है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, धन्यवाद। सर, आज मेडिकल कॉलेज में दिव्यांग जनों को योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया उनके लिए, तो क्या कुछ आपने एक मैसेज के तौर पर उनको दिया और बाकी के लोगों को योग के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि विदित है कि 21 जून को प्रतिवर्ष योग विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, इसी के क्रम में हमारे चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस वर्ष हम लोग 2 जून से लगातार कार्यक्रम करा रहे हैं, जो 2 जून को हुआ और 7 जून को हुआ, अभी कल के दिन पे पलावनी योगा का बृहद प्रोग्राम कराया गया,
और आज के दिन दो प्रोग्राम रखे गए थे, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए योगा और ये दिव्यांग जनों के लिए योगा प्रोग्राम, प्रेग्नेंट लेडीज वाला क्वीन मैरी डिपार्टमेंट में और ये यहाँ पे डीपीएमआर विभाग में रखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि योगा जो है सभी के जीवन में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव ला सकता है, बशर्ते कि उसे नियमित अपने जीवन में अपनाया जाए। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि उसको एक दिन के लिए नहीं बल्कि इसको जीवन शैली का अंग बनाएं, इसको नियमित करें, जिससे उनकी जिंदगी खुशहाल हो सकेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा और मानसिक शांति भी मिलती है। और आज के युग में देखा जाए तो बहुत तरह तरह की बीमारियां हैं जो इंसान की दुश्मन हैं और उनसे बचने का मात्र एक ही उपाय है, उचित निद्रा, उचित खान पान और नियमित योगा और पॉजिटिव सोच रखना। जैसे मानसिक अशांति भी एक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें उसे योगा से शरीर और मन दोनों में सामंजस्य बैठाने में एक मदद मिलती है और इससे जिंदगी में खुशहाली आती है। और जैसे खुद करें, लोगों को मोटिवेट करें, स्वयं तो करेंगे ही, अगर स्वयं मोटिवेट होगा तो करेंगे, साथ ही इस चीज़ को, इसके विज्ञान को, इसके साइंस को सभी को बताना है, प्रचारित भी करना है, इसको लोगों को पहुंचाने के सबके लिए एक जन जागरण टाइप का अभियान चलना चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से शुरू कराया है तो लोगों ने बड़े पैमाने पे इसको टेकअप किया है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे ये हमारा अभियान बढ़ता ही जाएगा और विश्वव्यापी रूप में ये एक न एक दिन ज़्यादातर जनसंख्या को ये फायदा पहुँचाएगा। अच्छा सर, जिस तरह से दिव्यांगजनों को योग सिखाने का काम किया गया, तो क्या इसका मैसेज ये है कि जब दिव्यांगजन कर सकते हैं या कोई भी अगर शारीरिक अक्षमता है आपके अंदर, फिर भी योग आपके लिए बेहतर है या योग एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपके जीवन को सुखमय बना सकता है, तो जितने भी संसार में लोग हैं उन सब के लिए योग जरूरी है, क्या ये मैसेज था इसका? ठीक है, जैसे कोई हम कह रहे हैं, जैसे मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ तो हमारे यहाँ भी कई सांस के रोगी होते हैं, अस्थमा, COPD, ये बहुत सारी तकलीफें हैं। और इसी तरह से ये जो विकलांगजन, जो दिव्यांगजन का जो ग्रुप है, तो कोई भी योगा एक परमिसिबल लिमिट तक अपनी क्षमता को देखते हुए करेगा तो उसका फायदा ही रहेगा, उसका हमेशा फायदा ही रहेगा। बस ये जरूर देखना कि अपनी सीमा का निर्धारण करें, हमारी शरीर कितना साथ दे रही उसके हिसाब से करें और साथ में एक्सपर्ट की राय लें, जो योगा के प्रशिक्षित जो शिक्षक लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, उनके देखरेख में करें और सही स्टेप्स करें, तब इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर।